बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इन्जॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो है CrPC का चैप्टर नंबर 14, और इस सिलसिले का हम आज दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 154 से लेकर 175 तक हैं, और इसके पहले हिस्से में हमने 154 से लेकर 164 तक की थी। आज हम 165 से लेकर 175 तक करेंगे। तो इसका जो मौजू है, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पावर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, या पुलिस को इतला देना और उनका तरीका है तफ्तीश, और तफ्तीश में उनका अख्तियार। तो टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, काइंडली ये जो मेरा चैनल है प्रेट फॉर जस्टिस, इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, अगर उभरे तो उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बातातल मिलती रहे। तो दोस्तों, आते हैं आप टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आज के सिलसिले की जो सेक्शन है वो 165 CrPC की है। 165 CrPC के अंदर CrPC ने पुलिस को तलाशी लेने का अख्तियार दिया है, और इसमें यह कहा गया है कि जब किसी थानेदार को, SHO को, या IO को, या वो बंदा पुलिस का एहलकार जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मामूर है, अगर उसको इस बात का यकीन है कि उसकी जुरिसडिक्शन के अंदर किसी इलाके में जान जुर्म का इरतकाब हुआ है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी बरामदगी ज़रूरी है और जो तफ्तीश के मकासद पूरा कर सकती है, और उसमें मज़ीद शवाहिद मिल सकते हैं और पुलिस रिपोर्ट जो है वो मज़ीद स्ट्रांग हो सकती है, तो वो उसकी तलाशी ले सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो पुलिस ना तो कोई ऐसी चीज़ तलाश कर सकता है, और ना ही तलाशी की कोशिश करेगा कि जो किसी बैंक के अंदर मौजूद है, या उसके पास जो इतला है उस इतला के मुताबिक वो किसी बैंक की कस्टडी के अंदर है या बैंक की कानूनी तहवील के अंदर है, तो वो उसकी तलाशी नहीं ले सकता, कानूनी शहादत 1984 में जिस तरह बताया गया है। मगर अगर वो उसको इस ज़रूरी समझे, तो इसके लिए वो सेशन जज से मंजूरी लेकर वो दफ़ा 403 PPC, 406, 408, 409, 421 से लेकर 424 तक, 465 से लेकर 470A के दरमियान, ताज़ीरात पाकिस्तान के दरमियान आने वाले जितने भी मामलात हैं या जुराइम हैं, उनकी दस्तावेज़ अगर उसको चाहिए तो वो पहले सेशन जज से मंजूरी लेगा। और इसके अलावा बाकी जो दस्तावेज़ हैं, दस्तावेज़ात हैं जो दीगर किसी सरकारी महकमे के पास हैं, अगर उसको चाहिए तो फिर वो हाई कोर्ट से उसकी मंजूरी लेगा। उसके बाद इसकी आ जाती है 165 की सब क्लास बी टू। सब क्लास टू के अंदर ये कहा गया है कि IO या थानेदार के लिए ज़रूरी है कि वो इसालतन सर्च करे या बरामदगी करे या मौके पर जाए। और उसकी सब क्लास थ्री में ये कहा गया है कि अगर वो अपना SHO या IO या जो तफ्तीश पे बंदा मुकर्रर है, अगर वो बंदा खुद नहीं जा सकता, तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को मौके पर जाकर तलाशी लेने का हुक्म सादर कर सकता है। इसके लिए वो उसको तहरीरी हुक्म देगा, उस जगह का नाम बताएगा, और वो जो चीज़ तलाश करनी है उसके बाबत हदायत देगा, और उसको एक रिटन आर्डर देगा कि आप वहाँ जाकर उस चीज़ की तलाशी लो। और उसके बाद आ जाती है सब क्लास फोर। सब क्लास फोर ये कहती है कि वारंट तलाशी लेने का वही तरीका अख्तियार किया जाएगा कि जो दफ़ा 102 और 103 में दर्ज है। और इसके अलावा पुलिस का जो सबऑर्डिनेट जाएगा, या SHO सल्तन या IO जो सल्तन जब जाएंगे, तो फिर वो दफ़ा 102 CrPC और 103 CrPC से बाहर कोई इकदाम नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती है सब क्लास फाइव। सब क्लास फाइव में ही कहा है कि तलाशी के लिए की जाने वाली तमाम कार्रवाई कि जो दफ़ा हाजा के तहत की सब क्लास वन या सब क्लास थ्री के तहत की जाएगी, इसकी तमाम इसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और रिकॉर्ड की एक नकल जो है, जो मुतलका अदालत है जो उस मुकदमे को कंडक्ट कर सकती है या अख्तियार समात रखती है, उसके पास भेजा जाएगा। और अगर जगह का मालिक जिसकी जगह की तलाशी ली गई है, अगर वो चाहे तो वो मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर दरख्वास्त देकर उनकी नकुलात जो उसने सर्च की हैं वो हासिल कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट चाहे कि यहाँ अगर मुफ्त कापियाँ देनी है, तो फिर मुफ्त भी फ्राहम कर सकता है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 166 के। इसमें यह है कि जब थानेदार या IO ने किसी दूसरे इलाके के अंदर या किसी दूसरे ज़िले के अंदर या अपने ज़िले के किसी दूसरे थाने के अंदर अगर सर्च करनी हो,
तो फिर वो उस इलाके के जो थाने का उसके ज़िले के अंदर दूसरा जो थाना होगा उसके SHO को वो तहरीरी वो उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस जगह की तलाशी लेनी है तो आप मेरी मदद करो। तो फिर अगर वो उस थाने का SHO मौके पर जाता है तो तलाशी लेता है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद इन्होंने दूसरी बात ये कही है कि उस इलाके का जो थानेदार होगा वो इस बंदे की SHO की या IO की दरख्वास्त पर ऐसे ही तलाशी लेगा जैसे वो अपने थाने की हदूद के अंदर या जुरिस्डिक्शन के अंदर जो थाना है जैसे वहाँ तलाशी लेता है, ऐसे ही इसके अंदर भी तलाशी लेकर वो जो माल बरामद होगा और जो तरीक़ाकार होगा वही अख्तियार करेगा। वो अपने मजिस्ट्रेट को बताएगा और एक कापी उसको देगा और बाकी सामान और रिपोर्ट की जो नकल होगी तलाशी की वो उसके हवाले कर देगा। उसके बाद आ जाती है 166 की सब क्लास 2। इसमें कहा गया है कि बरामदशुदा चीज़ दरख्वास्त गुजार थानेदार के हवाले होगी। मिसाल के तौर पर अगर वो उसकी बात मान लेता है तो वो थानेदार जो जिस इलाके में अंदर तलाशी मकसूद होगी वो तलाशी करके जितना भी माल बरामद होगा और फहरस्त जो अशिया बरामद होंगी या 103 की जो कंप्लाइंस की होंगी वो सारे का सारा रिकॉर्ड एक कापी अपने पास रख के और अपने एक मजिस्ट्रेट मुतलका को देकर बाकी माल और ये चीज़ें फहरिस्त है इस बंदे के हवाले कर देगा। उसके बाद आ जाती है सब क्लास 3। सब क्लास 3 में ये कहा गया है कि अगर एक किसी मुकदमे की तफ्तीश के लिए अगर तलाशी लेना ज़रूरी हो तो IO या थानेदार अगर किसी दूसरे अपने ज़िले के अंदर किसी थाने के अंदर या किसी दूसरे ज़िले के थाने के अंदर जाके दरख्वास्त करता है और उसको वहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती या वहाँ का SHO उसकी मदद नहीं करता तो और अगर मामला सीरियस हो तो ये जो SHO उस इलाके के अंदर गया होगा ये अपने बिहाफ के ऊपर उस जगह की तलाशी लेगा और तलाशी लेने के बाद जो माल बरामद होगा वो और उसकी फहरिस्त बनाएगा 103 की कंप्लाइंस करेगा और उसकी एक नकल जो है वो इलाका उस इलाके के मजिस्ट्रेट के पास वो जमा करवाएगा और उस एक नकल उस थानेदार के हवाले करेगा और बाकी जो है वो चीज़ वो माल और जो रिपोर्ट है वो अपने इलाके के मजिस्ट्रेट के पास आकर जमा करवाएगा। इसके बाद आ जाती है सब क्लास 4। SHO जो तलाशी कंडक्ट कर रहा हो वो दफ़ा 166(3) के बाद जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुकेगा तो बरामद होने वाले अशिया की एक लिस्ट बनाएगा जो इसने एक दफ़ा के दफ़ा 103 के तहत जिसने बनाई होगी इसकी एक नकल मुतलका थाने के अंदर देगा और एक नकल उस इलाके के मजिस्ट्रेट के को देगा। उसके बाद आ जाता है जी कि सब क्लास 5। मालिक मकान जिस मालिक मकान की या मालिक अराजी की जगह की तलाशी ली गई है अगर वो चाहे तो इलाका मजिस्ट्रेट जो उस इलाके का मजिस्ट्रेट है उससे फिर वो नकुलात हासिल कर सकता है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 167 ये कहती है कि तरीकाकार जब तफ्तीश 24 घंटे के अंदर मुकम्मल ना हो। इसमें ये कहा गया है कि जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया हो या पाबंदी सलासल हो और उसकी तफ्तीश 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हुई हो और वो बंदा हवालात में 24 घंटे गुजार चुका हो कि जिस बंदे को दफ़ा 61 के तहत गिरफ़्तार किया गया है और मुलज़म के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो SHO की नज़र में या IO की नज़र में मबनी पर हकीकत हो तो फिर वो मुलज़म को बुमाए रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट इलाका के पास पेश करेगा। इसके बाद आ जाती है सब क्लास 2। अब 167 की सब क्लास 2 ये कहती है कि इलाका मजिस्ट्रेट जिसके सामने मुलज़म को पेश किया जाएगा अगर वो मजिस्ट्रेट मुकदमा की समाअत कंडक्ट करने का अख्तियार रखता है तो ठीक, अगर नहीं रखता तो भी वो मुलज़म की डिटेंशन या हिरासत को टाइम टू टाइम पुलिस को देने का पाबंद है लेकिन ये डिटेंशन जो है ये 15 दिन के अंदर ज़ायद नहीं होगी। अगर इलाका मजिस्ट्रेट की समाअत का अख्तियार अगर रखता है और ये समझे कि इस मुकदमा में मुलज़म की मज़ीद हिरासत की ज़रूरत नहीं है तो मुलज़म को वो जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज सकता है। अगर वो इलाका मजिस्ट्रेट मुकदमा की समाअत का अख्तियार रखता है तो फिर इसको ट्राई करके अगर वो मिसाल के तौर पर वो अख्तियार का समाअत मुकदमा की का अख्तियार समाअत नहीं रखता तो फिर वो उस इलाके के मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो उसको कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें इन्होंने एक शर्त भी आयद की है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट दर्जा दोम या सोम कि जिनको सूबाई हुकूमत ने अपने किसी स्पेशल हुक्म या अपने किसी आर्डर के ज़रिए इस मकसद के लिए तैनात नहीं किया कि जो दौरान इंक्वायरी पेश आती हैं तो फिर वो मुलज़म की हिरासत पुलिस को वो दो मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते, ना सेकंड दे सकता है ना थर्ड दे सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि इलाका मजिस्ट्रेट जो पुलिस को मुलज़म की हिरासत देने का अख्तियार रखता है तो जब वो किसी मुलज़म की पुलिस को हिरासत देगा तो फिर अपने सफ़ा मिसल के ऊपर उसकी रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा कि उसने इस मुलज़म की डिटेंशन क्यों दी।
उसके बाद सब क्लास चार आ जाती है कि जब वो किसी को डिटेंशन देगा या किसी की पुलिस को हिरासत देगा तो अपने फैसले की एक कापी अपने मुतलका सेशन जज को भी भेजेगा। उसके बाद सब क्लास फाइव आ जाती है, इसमें यह कहा गया है कि जब इलाका मजिस्ट्रेट के पास पुलिस का आईओ या थनदार किसी ऐसी औरत को लेकर आता है जो किसी डकैती के मुकदमा के अंदर या किसी अपना कत्ल के मुकदमा के अंदर मुलव्वस हो, तो वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आता है तो मजिस्ट्रेट उसकी कस्टडी को डायरेक्ट जेल के हवाले कर देता है और उसके साथ विमेन पुलिस को भेजेगा और उसकी कस्टडी किसी भी सूरत पुलिस को नहीं दी जाएगी। और अगर आईओ ने या अपना थानेदार ने उस मुकदमे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी हो और उस औरत से, तो फिर उसके लिए उसको जेल के अंदर उससे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी या उसको इंटरोगेट करेगा जेल के अंदर और वहाँ जेलर के सामने और विमेन पुलिस के सामने। उसके बाद आ जाती है सब क्लास सेवन, 167 की सब क्लास सेवन, इसमें यह कहा गया है कि जब आईओ महसूस करे या थानेदार ये महसूस करे कि उस मुलजमा औरत को जो डकैती या कत्ल के मुकदमा के अंदर मुलव्वस है उस कोई बरामदगी करवानी है या उसको जेल से बाहर लाना ज़रूरी है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर उस औरत को और उसके अंदर रीज़न लिखेगा कि मैं इसको बाहर क्यों लेकर जाना चाहता हूँ, और मजिस्ट्रेट जब उसका हुक्म सादर करेगा कि आप उसको लेकर जा सकते हैं तो वो भी अपने सफ़ा मिसल के ऊपर रीज़न लिखेगा कि आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस औरत के साथ लेडीज़ पुलिस जो होगी वो भी ज़रूरी होगी। इसमें इन्होंने एक और शर्त बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है कि किसी भी मुलजमा औरत को रात के औकात के अंदर जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता, यानी कि सनसेट और सनराइज़ के दरमियान। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 168। सेक्शन 168 ये है कि जब थानेदार ने अपने किसी मातहत को किसी मुकदमा की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिप्लाई किया हुआ है और वो अपनी मुकदमा की समाप्त मुकम्मल कर लेता है तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अपने एसएचओ को, अपने थाने के एसएचओ को देगा। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 169। सेक्शन 169 ये कहती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद एसएचओ जो है या आईओ जो है अगर ये महसूस करें कि जिसकी वो मुकदमे की तफ्तीश कर रही हैं कि इस मुलज़म के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद ना हैं और या वो मुलज़म की हिरासत को या उसकी गिरफ्तारी को या उसके एलिगेशन को अदालत के अंदर वो जस्टिफाई मजिस्ट्रेट के सामने नहीं कर सकेंगे, तो मुलज़म अगर हिरासत में है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा उसके ज़ाती मुचलका के ऊपर बग़ैर ज़मानतियों के या ज़मानतियों के साथ। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उसको कह दिया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा ताकि मुकदमे की समाअत अगर ज़रूरत पड़े तो कंडक्ट की जा सकती है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 170। सेक्शन 170 ये कहती है कि तफ्तीश मुकम्मल होने पर मजिस्ट्रेट के पास चलान को भेजना। इसकी 170 की जो अपना सब क्लास वन है इसमें यह कहा गया है कि अगर थानेदार या आईओ महसूस करें मुकदमा की तफ्तीश जो है वो हस्ब ज़ाब्ता मुकम्मल हो चुकी है और इसमें मुलज़म के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए काफ़ी ग्राउंड्स भी मौजूद हैं और वो उस प्रोसिक्यूशन इस मुकदमे को अदालत के अंदर साबित कर सकती है, तो वो थानेदार या एसएचओ या आईओ अपनी रिपोर्ट बमाए मुलज़म मुतलका अदालत के मुतलका इलाके के इलाका मजिस्ट्रेट जो मजाज होगा, जो ट्रायल या इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता होगा, उसकी अदालत में पेश करेगा ताकि उसका बकायदा ट्रायल शुरू किया जा सके। अगर तो जुर्म काबिल ज़मानत हो, अगर जुर्म काबिल ज़मानत हो तो मजिस्ट्रेट वो पुलिस की चलान रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो उस मुलज़म से कहेगा कि आप अपनी भाई ज़मानत दाखिल करो और उसके बाद उसको तारीख दे देगा कि आप फलां तारीख, अगर वो ज़मानत दाखिल कर देता है तो उसको तारीख बताई जाएगी कि आप फलां तारीख को अदालत के अंदर पेश हो जाओ और अपने मुकदमे की समाप्त अपना पैरवी करो। इसके बाद आ जाती है 170 की सब क्लास टू। जब कोई थानेदार किसी मुलज़म को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए भेजता है या मुलज़म से पेश अदालत होने का के लिए बांध लेता है दफा आज़ाद के तहत, तो वो थानेदार या एसएचओ मुलज़म से बरामद होने वाला जो असला है या दिगर कोई ऐसी चीज़ है जो रिकवरी के अंदर आई हुई है या कोई वेपन ऑफेंस है तो वो भी मुलज़म के साथ अदालत के अंदर भेजेगा जिस, और अगर वो समझता है कि इसको मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना ज़रूरी है या उसकी नज़र में ज़रूरी हो, और तो फिर वो उस और साथ में वो मुदई और दीगर तमाम मुतलका जो गवाहान होंगे जिनकी हाज़िरी मजिस्ट्रेट के सामने ज़रूरी है, तो ताकि मुकदमा की समाअत के अंदर कोई रुकावट ना आए तो तमाम लोग जो हालात मुकदमा से वाकफ़ होंगे उनको अदालत में बुलाया जाएगा ताकि वो अदालत के अंदर आएँ और शहादत दें।
और जो लोग ज़रूरी समझेंगे, जिसका ज़रूरी समझा जाएगा, तो मजिस्ट्रेट उनसे हाजिरी के लिए बांड भी तलब कर सकता है। उसके बाद आ जाती है सब क्लास 3, ये 170 की सब क्लास थी। अगर बांड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का वो नाम दर्ज है, तो वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए या मुकदमे की समाप्त के लिए किसी दीगर मजिस्ट्रेट के को रेफ़र कर देता है वो मुकदमा। तो उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि वो उस जिसके पास रेफ़र किया गया मजिस्ट्रेट के पास, उसकी अदालत के अंदर हाज़िर होकर मुकदमे की पैरवी करें। तो ज़रूरी ये है कि जो कंप्लेनेंट है, जो नई कोर्ट जिसके अंदर मुकदमा चलाया जाएगा मजिस्ट्रेट की, तो उसके बारे में कंप्लेनेंट और उसके दीगर जो वारसान हैं उनको भी इतला की जाए। उसके बाद आ जाती है सब क्लास 5। तो अब पुलिस अफसर के जिसके सामने बांड एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो अफसर पुलिस अफसर इसकी एक नकल इस शख्स को भी देगा जिसने बांड एग्जीक्यूट किया है, और उसकी एक नकल अपनी रिपोर्ट के साथ लगाकर वो मुतलका जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा अपनी रिपोर्ट के साथ उसको भी देगा। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 171। सेक्शन 171 में इन्होंने एक तरीक़ाकार बताया है कि मुदई और उसके जो गवाह हैं उनके बारे में, उनकी हाज़िरी के बारे में जो तरीक़ाकार है, या जो मजिस्ट्रेट अपना SHO जो है वो क्या तरीक़ाकार अख्तियार करेगा मुदई और उसके गवाह के बारे में। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुदई और उसके गवाह जो हैं उनके लिए ज़रूरी ना है कि वो हर वक्त पुलिस के हमराह ही रहें। दूसरी बात, इसी तरह पुलिस के लिए ज़रूरी ना है कि और कि वो मुदई को या उसके गवाह को थाने के अंदर गैर ज़रूरी तौर पर रोके रखें, और ना ही वो उनसे बांड तलब कर सकते हैं मासवाई उनके ज़ाती मुचलके के। मगर इन्होंने एक शर्त इसमें लगाई है कि अगर कोई मुदई या इसके गवाह अगर बावजूद हदायत के हाजिरी पर आमादा ना हो थाने में या अदालत के अंदर, दफ़ा 170 CRPC के तहत उनसे फिर बांड, और ना ही वो 170 के तहत बांड देने पर आमादा हों, तो SHO उनको यानी मुदई और इसके गवाह को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट इलाका की अदालत के अंदर पेश करेगा, तो मजिस्ट्रेट उनको उस वक्त तक गिरफ्तार रख सकता है जब तक कि वो बेल बांड जमा नहीं करवा देते। उसके बाद आ जाती है जी सेक्शन 172, ये है पुलिस डायरी। अब इसमें ये इसके सब क्लास 1 में ये कहा गया है कि हर पुलिस ऑफिसर या थानदार या IO जो भी किसी मुकदमे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वो जो पुलिस डायरी होती है या रोजनामचा होता है उसको डे टू डे बुनियादों के ऊपर उसको मेनटेन करें। उसमें वो अपना वो जितने भी उसने दौरान अपना तफ्तीश मुकदमा जो भी वो काम करेगा वो सारे के सारे तारीख वाइज अपना और टाइम वाइज उनको तरतीब के साथ लिखेगा कि यानी कि वो थाने से किस वक्त निकला, किस बंदे के पास किस वक्त पहुंचा, दरमियान में उसने कौन कौन से काम किए, और किस दिन तफ्तीश हुई, किस दिन ख़त्म हुई, और किस किस बंदे के बयान उसने रिकॉर्ड किए, वो जितने भी तमाम तर मुकदमे के हालात होंगे वो अपनी डायरी के अंदर दर्ज करेगा। इसके अंदर दूसरी बात जो इन्होंने कही है 172 सब क्लास 2 के अंदर कि कोई भी फौजदारी अदालत जो है कि वो पुलिस डायरी की तफसीलात को बतौर शहादत अदालत के अंदर तलब नहीं कर सकती, ना तो इंक्वायरी के अंदर और ना ही ट्रायल के अंदर। लेकिन अगर अदालत दौरान समाअत मुकदमा या इंक्वायरी या ट्रायल अगर कुछ बात किसी बात को समझना चाहे, तो वो पुलिस की ज़िम्मेदारियात जो या उन्होंने डायरी लिखी होती है उससे मदद दे सकती हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि ना तो मुलज़म और ना ही कोई इसका एजेंट इस डायरी को मंगवा सकते हैं, और ना ही वो अदालत में इसके किसी हिस्सा को देखने के हकदार बन जाते हैं जो अदालत ने दौरान समाअत अगर किसी उस पोर्शन को इस्तेमाल किया हो। हाँ, इसमें एक और उन्होंने ये बात की है कि अगर हाँ पुलिस एहलकार जो IO है वो दौरान समाअत मुकदमा या उसके ऊपर शहादत जब हो रही होती है, तो वो कानूनी शहादत का आर्टिकल जो 155 है उसके तहत इन डायरी को देकर अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है। उसके बाद आ जाती है 173, ये है जी पुलिस का चलान मुकम्मल या पुलिस रिपोर्ट। इसमें यह कहा गया है कि हर तफ्तीश को जब चैप्टर हाजा के तहत बग़ैर किसी ताखीर के, गैर ज़रूरी ताखीर के, जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुकम्मल किया जाए, और मुकम्मल करने के बाद SHO जो है वो बजरिए PP1 अपने चलान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत के लिए जमा करवाएगा, और अपनी रिपोर्ट के साथ एक चलान मुकम्मल का प्रोफार्मा लगाएगा जिसके अंदर 7-8 कालम होती हैं, वो भी नतनी करेगा, और इस तरीका के मुताबिक जिस तरह सूबाई गवर्नमेंट ने उसको हदायत दी है उसके तहत अपनी वो जितनी भी है वो फाइल मुकम्मल करके उसके ऊपर एक चलान मुकम्मल का एक फार्मा परफार्मा लगा कर
اس جس کے اندر وہ پرفارمی کے اندر وہ ملزم کا مستغیث کا نام ہوتا ہے, ملزم کا نام ہوتا ہے, جو گرفتار ملزم ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں, جو ابسکانڈر ہوتے ہیں یا جو انڈر اریسٹ ہیں ان کا نام ہوتا ہے, دفعہ جو اس کے اوپر امپوز کی گئی ہے وہ ان کا نام ہوتا ہے, اور اسی طرح سے اس کے آخر میں مختصر حالات یا کیفیت کے اندر مختصر حالات مقدمہ بھی لکھی جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک شرط عائد کی ہے کہ جو مثال کے طور پر 173 کے تحت 173 کے اندر جب 14 دن گزر جائیں اور پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل نہ کر سکے تو پھر وہ اپنا جو چلان ہوتا ہے وہ مزید دن 3 دن لے کر وہ عدالت کے اندر جمع کروا سکتا ہے. اگر عدالت کا میجسٹریٹ یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی سفیشینٹ گراؤنڈ ہے اور اس کی بنیاد بنا کر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, یعنی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی کہ اس میں فالسنگ رپورٹ نہیں آئی ہوتی, وہ میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ہوتی, یا دیگر رپورٹیں نہیں آئی ہوتی, وہ عدالت کے اندر چلان جمع کر دیا جاتا ہے, ان کے اندر دیر ہوتی ہے, عدالت سمجھتی ہے ٹھیک ہے بھائی یہاں اس کو چلاتی ہیں, تو اس کے بعد اس کو اگر میجسٹریٹ سمجھے کہ چلایا جا سکتا ہے تو اس کو چلائے گا. اگر میجسٹریٹ یہ سمجھے کہ یہ جو انہوں نے نامکمل چلان پیش کیا ہے اس کے اوپر مقدمے کو نہیں چلایا جا سکتا تو وہ اس کو روک بھی سکتا ہے, تا وقت کے وہ ضمنی چلان جو ہوتا ہے یا انٹرم رپورٹ آف پولیس جو ہوتی ہے وہ جب تک عدالت کے اندر پیش نہیں کر دی جاتی. اس کے بعد انہوں نے اس کی سب کلاس جو ہے 2 ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو پولیس کے مخصوص آفیسر ہوتے ہیں جن کو صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے تعینات کیا ہوتا ہے, وہی عدالت کے اندر پولیس کے تھندار یا آئی او سے رپورٹ لے کر عدالت کے اندر جمع کرانے کے پابند ہوتے ہیں, اور جو بندہ صوبائی حکومت کا اس طرح کا کوئی آرڈر پولیس اہلکار نہیں رکھتا تو وہ بڑی ذمہ ہوتا ہے, وہ اس کو جمع نہیں کروا سکتا. تو جو بندہ صوبائی حکومت نے پولیس اہلکار اس مقصد کے لیے تعینات کر رکھا ہے, اگر کسی میجسٹریٹ نے یہ حکم صادر کر دیا کہ یہ تفتیش یا اپنا یہ جو چلان مکمل کر کے یہ عدالت کے اندر پیش کیا جائے تو وہ جو پولیس اہلکار ہے وہ آئی او کو مزید ہدایت دے سکتا ہے کہ وہ اس کو جلد سے جلد مکمل کر کے عدالت کے اندر پیش کرے. اس کے بعد اس کی آ جاتی ہے سب کلاس 3, رپورٹ کر پولیس کی رپورٹ پڑھ کر اگر میجسٹریٹ کسی کے ملزم کے بانڈ کو منسوخ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر اس میں مزید آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میجسٹریٹ پولیس رپورٹ پڑھ کر سمجھے کہ ملزم کو اپنے بانڈ پر رہا کر دیا گیا ہے اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ سیریس نوعیت کا ہے تو میجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کا بانڈ منسوخ کر کے اس کو دوبارہ اریسٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس 4, 173 کی سب کلاس 4. 173 کی ایک سب کلاس 4 یہ کہتی ہے کہ پولیس جو ہے پولیس رپورٹ کی جو ایک کاپی ہے وہ ملزم کو دوران سماعت مقدمہ سماعت شروع ہونے سے پہلے اس کو دی جائے گی. اس کے سب کلاس 5 یہ کہتی ہے کہ اگر ایس ایچ او پولیس رپورٹ یا چلان مکمل دفعہ حاضہ کی سب کلاس 1 کے تحت جمع کرواتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملازمین کو چھوڑ کر دیگر گواہوں کو بھی پیش عدالت کرے تاکہ مجسٹریٹ ان کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ان کو پابند کر سکے یا ان سے بانڈ لے سکے اور ان کو تاریخ دے سکے کہ آئندہ اس تاریخ پر عدالت کے اندر حاضر ہو کر شہادت دیں اور پیروی مقدمہ بھی کریں اور مدعی کو بھی اس کے لیے وہ بلایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 174. سیکشن 174 یہ ہے کہ یہ پولیس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ خودکشی کی وجہ معلوم کریں اور خودکشی کی وجوہات معلوم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ 174 کے اندر دفعہ 174 سی آر پی سی کے اندر دیا گیا ہے. جب کسی تھندار کو یا پولیس کے کسی دیگر افسر کو جس کو صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے تعینات کر رکھا ہے اگر اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کسی شخص نے خودکشی کر لی ہے یا کسی دوسری شخص نے اس کو قتل کر دیا ہے یا کسی جانور نے اس کو مار دیا ہے یا کسی مشین کی زد میں آ کے وہ مر گیا ہے یا اس کو کرنٹ لگ گیا ہے یا اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی ایسی وجوہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے شک پڑے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے تو پولیس افسر فوراً قریبی علاقہ مجسٹریٹ کو اس بابت اطلاع دے گا جس کو صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے تعینات کر رکھا ہے یا جو قواعد و ضوابط اس مقصد کے لیے صوبائی حکومت نے جاری کر رکھے ہیں ان کے مطابق کاروائی کرتے ہوئے متعلقہ اتھارٹیز کو اطلاع دے گا اور اس کے بعد فوراً اس جگہ پر پہنچے گا کہ جہاں اس طرح کا واقعہ خودکشی وغیرہ کا رونما ہوا ہے اور وہاں 2, 4, 10, 15, 20 لوگوں کی موجودگی میں جہاں لاش پڑی ہوگی اس کا معائنہ کرے گا اور اپنی رپورٹ تیار کرے گا اور اس کے جو پڑوسی ہیں ان کو شامل تفتیش کرے گا
اور بظاہر معلوم ہونے والی جو وجوہات ہوں گی ان کو اپنے پاس تحریر کرے گا، اور میت کے جسم پر جو زخمات ہیں نشان کے یا جلنے کے یا جو بھی اس کے اوپر زخمات ہیں ان کو بھی ان کی نقشہ ضرر بنائے گا، انکویسٹ رپورٹ بنائے گا، اپنے پاس رپورٹ کرے گا، اور اس سے وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ یہ اس کی ڈیتھ کیسے واقع ہوئی اور کیوں کر ہوئی۔ اس کے بعد سب کلاس ٹو آ جاتی ہے 176 کی، اس میں یہ ہے کہ رپورٹ کے اوپر جب وہ اپنی تفتیش مکمل کر چکے گا تو اس کے اوپر جو اس جگہ کے پڑوسی ہوں گے یا اہل علاقہ ہوں گے اس میں دو چار لوگوں کے وہ اس اپنے رپورٹ کے اوپر دستخط لے گا، اور اس کے بعد جہاں موت کے سبب کے بارے میں اس کے اندر اس کے دل کے اندر کوئی شک پیدا ہو جائے کہ یار اس کی موت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے لاش کو قریبی جو سول سرجن ہوگا اس کے پاس لے جائے گا سرکاری اسپتال کے اندر، جس کو صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے تعینات کر رکھا ہے، یا وہ ڈاکٹر جس کو صوبائی حکومت نے تعینات کر رکھا ہے اس کے پاس لاش کو لے جائے گا تاکہ وہ پوسٹ مارٹم اس کا کنڈکٹ کرے اور اس کے اندر ریزن بتائے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ اگر وہ سمجھے کہ موسمی اثرات کی وجہ سے یا کوئی ایسی جس کی وجہ سے لاش جو ہے کٹ پھٹ گئی ہے یا اس کے ڈیکمپوز ہونے کا خطرہ ہے یا وہ اس حالت اس قدر ہے کہ اس کو ٹریول نہیں کیا جا سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے، تو اس کو پھر وہ پوسٹ مارٹم کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 175۔ سیکشن 175 میں یہ ہے کہ خودکشی کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے پولیس کے پاس اختیار ہے، تھندار کے پاس، کہ وہ اس علاقے کے کسی بندے کو اگر عدالت کے اندر اپنا تھانے کے اندر طلب کرنا چاہے جو بندہ حالات و واقعات سے واقف ہو یا دیگر گواہان کو، تو پھر وہ اس کو طلب کر سکتا ہے، اور جو لوگ گواہان جو تھانے کے اندر آئیں گے وہ پابند ہیں کہ وہ اس کے ہر سوال کا جواب دیں جو اس تفتیش کے اندر وہ ضروری سمجھتا ہے۔ تو گواہان اگر کسی ایسے سوال کا جواب نہ دینا چاہیں جس سے وہ مجرم بنتے ہوں یا ان کے اوپر کوئی پینلٹی عائد ہوتی ہو یا ان کی کوئی چیز ضبط ہوتی ہو تو اس کا جواب نہ دیں تو نہ دینا چاہیں تو نہیں بھی دے سکتے۔ اس کے سب کلاس ٹو ہے۔ اگر شہادتوں سے کوئی پولیس کاگنیزیبل وہ نہ پیدا ہوتی ہو یا پولیس کے کاگنیزنس کا سوال نہ پیدا ہو تو وہ تو پھر وہ اس کو تفتیش کو وہ ختم بھی کر سکتا ہے اور اپنی رپورٹ علاقہ مجسٹریٹ کو پیش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 166، مجسٹریٹ کا انکوائری کر کے موت کے پتہ چلانے کا اختیار۔ اس میں یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو مجسٹریٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ اس کی موت کا پتہ چلائے۔ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر مر جائے تو قریبی علاقہ مجسٹریٹ کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس کی موت کی وجوہات کی تحقیقات کرے، یا اس علاقہ کے اندر دیگر کوئی واقعہ 174 کے تحت کسی کی وہ ہو جاتی ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، تو اس کی انکوائری کر کے موت کی وجوہات کا پتہ چلا سکتا ہے۔ اگر اس کو پولیس رپورٹ موصول ہو کے موت واقع ہو گئی ہے اور مزید اس کے اوپر مجسٹریٹ اگر انکوائری کرنا چاہے تو اس کے لیے شہادت بھی طلب کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جہاں اس طرح کی وہ مجسٹریٹ محسوس کرے کہ موت کی وجہ جاننی ضروری ہے اور جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو دفنا دیا گیا ہے، تو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ قبر کشائی کا حکم صادر کرے اور ڈاکٹر موقع پر جا کر سول سرجن جو ہے موقع پر جا کر پوسٹ مارٹم رپورٹ کنڈکٹ کرے اور رپورٹ اس کی عدالت کے اندر جمع کروائے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی مجسٹریٹ اس کے مطابق حسب ضابطہ کاروائی کرے گا۔ تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اگر آپ کو کلیئر ہو گیا ہے تو کائنڈلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بات اس ٹاپک کے اندر نہ کہنا چاہیے تھی وہ میں نے کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا، اگر آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔